आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बीए पार्ट सेकंड में आपके पेपर फर्स्ट यानी संसाधन भूगोल सेकंड ईयर के लिए, और आज का टॉपिक रहेगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या है, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में खनिजों की बहुतायत रहती है, विश्व स्तर पर हमें देखना है, और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके खनिज संसाधन से संबंधित बहुत अच्छी मदद करेगा और आपके लिए यानी पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप जरूर देखिएगा, और इसमें जो मैं आपको जो प्रश्न लिखवाता हूं यानी जो मुख्य बात लिखवाता हूं, वो अपने आप कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि इसमें छोटे जो प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक वाले, वो प्रश्न इसमें से बहुत ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें। और उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आएगा। ज्योग्राफी की क्लासेज आपको कैसे लग रही है और कौन सा टॉपिक चाहिए, वो जरूर मुझे बताइएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और देखते हैं कि टॉपिक कैसा रहता है। जैसा कि देखिए, खनिज संसाधन जिसको मिनरल रिसोर्सेस कहा जाता है, और इसमें हम एग्जाम सॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। खनिजों के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, इन चारों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें से लगभग पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और आज की ये पाठ। देखिए, सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। माइनिंग से यानी खोदकर जो निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं, और खनिज संसाधन भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भौतिक और रासायनिक सहयोग से बनते हैं। अगर आपके प्रश्न आ जाता है खनिज क्या है, तब आपको ऐसे लिखना है कि सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे खनिज कहते हैं, और खनिज संसाधन है वो भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के सहयोग से बनते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति, सभी की संरचना में खनिज तत्वों का समावेश होता है। पशु पक्षी, मनुष्य, वनस्पति, इन सभी से मिलकर भी खनिज में योगदान होता है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी चट्टाने खनिजों से बनी हुई होती है। अधिकांश खनिज क्या होते हैं, अजैविक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, किंतु कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज जैव संसाधन कहलाते हैं। यहां आपके प्रश्न बन सकता है कि किन्हीं दो जैव संसाधनों के नाम लिखे, तो कोयला और पेट्रोलियम आप इनके नाम लिख सकते हैं, ये जैव संसाधन है, बाकी सभी अजैव संसाधन है। खनिज पदार्थ संसार में सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से एक है, और प्राचीन युग से लेकर के आज तक तकनीकी और वैज्ञानिक युग में भी खनिजों का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता रहता है। सुई से लेकर के भारी जो मशीनें होती है, उन सभी मशीनों को, औजारों के निर्माण में खनिज संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान है, ये अपनी एक भूमिका हो गई। इसके अलावा आप देखते हैं कि खनिजों के प्रकार क्या है, खनिजों के प्रकार क्या है। खनिजों में जैसे खनिजों के प्रकारों में सबसे मुख्य रूप से खनिज जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को तीन वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में खनिजों को बांटा जाता है, तीन वर्गों में। खनिज क्या है, खनिजों के प्रकार लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो तीन वर्ग है, जिसमें पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा है खनिज ईंधन। धात्विक खनिज जिसको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है, धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, रांगा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, टिन, बॉक्साइट, ये सारे क्या होते हैं, धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में आते हैं जिनको नॉन मेटेलिक कहा जाता है, और वो होते हैं हीरा, पन्ना, नमक, अभ्रक, गंधक, ग्रेफाइट, चूना, जिप्सम, ये अधात्विक खनिज है। क्या है, हीरा है, पन्ना है, नमक है, अभ्रक है, गंधक है, ग्रेफाइट है, चूना है, जिप्सम है, ये सभी क्या कहलाते हैं, यानी ये अधात्विक खनिज है। और खनिज ईंधन के रूप में जिनका तीसरा भाग है, और वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी क्या है, यानी खनिज ईंधन है। तो हम सबसे पहले लौह अयस्क को लेते हैं, धात्विक खनिजों को लेते हैं। लौह अयस्क, लौह एक धात्विक खनिज है, हम सभी जानते हैं, और ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। लोहा शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि अयस्क अथवा यौगिक के रूप में मिलता है, अर्थात इसमें कई चीजें मिली हुई होती है। लोहा आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है, लोहा आज के वैज्ञानिक युग की धुरी भी है। लौह अयस्क का क्या महत्व है, आज की जो आधुनिक सभ्यता है इसकी वैज्ञानिक युग की धुरी है। इस धातु का उपयोग मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मशीनों के रूप में, यातायात के विभिन्न साधन, कृषि यंत्र, मकान निर्माण, कारखाने,
कारखानों का ढांचा यानी जो फाउंडेशन बना जाता है, रॉकेट है, पनडुब्बी है, अस्त्र शस्त्र है, गोला बारूद है, इन सभी में लो धातु का उपयोग होता है। अब वर्तमान युग को लो युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान युग किस युग के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लिखोगे, लोह युग के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना अच्छी बात है। अब लो अयस्क जो होते हैं इनके प्रकार क्या है, लो अयस्क के प्रकार, लो अयस्क के प्रकार जो होते हैं चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, चार भागों में। पहला है मैग्नेटाइट, कौन सा है, मैग्नेटिक यानी Fe3O4 जिसको कहा जाता है, और इसमें क्या होता है लोहांश की मात्रा है वो 60 से 70% होती है मैग्नेटाइट। इसका रंग काला होता है और इसे आग्नेय अथवा कायांत्रित चट्टानों की दरारों और सिराओं से प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट या मैग्नेटिक जो है वो कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, ये आग्नेय और कायांत्रित, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान एक जो होती है, यानी जो जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान में और आग्नेय चट्टान की जो सिराएं होती है, दरारें होती है, उनमें पाया जाता है। इस धातु में वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम के अंश भी पाए जाते हैं। इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा के मिश्रण के कारण चुंबक की गुण भी पाया जाता है। आर्कटिक स्वीडन के किरुना और सिलावेर लाइबेरिया और इसके अलावा मैग्नेटिक गोर्स में उत्तम मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। कहाँ, आर्कटिक में, आर्कटिक स्वीडन के किरुना में, और इसके अलावा सिलावेर, साइबेरिया और यानी मैग्नेट गोर्स में उत्तम मैग्नेटाइट मिलता है। इसके अलावा लोहे का एक अयस्क होता है हेमेटाइट जिसको कहते हैं हेमेटाइट। इसमें लोहे का अंश 50 से 65 होता है यानी मैग्नेटाइट में 60 से 70 होता है। अब प्रश्न आ जाता है कि किसमें लोहे का लोहांश सबसे ज्यादा होता है, तो मैग्नेटाइट में होता है। इसका रंग जो है लाल और भूरा यानी कथई रंग का होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट कहाँ से प्राप्त होता है, अवसादी से, और मैग्नेटिक कहां से प्राप्त होता है, आग्नेय और कायंत्रित सेलों से। इसमें लो धातु ठोस कणों अथवा चूर्ण के रूप में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, भारत, इनमें हेमेटाइट के जमाव मिलते हैं। हेमेटाइट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील और भारत। इसके अलावा चौथा भाग होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है इसके अंतर्गत लोहे का अंश जो है 50% होता है। लिमोनाइट में और घट जाता है, 50% ही होता है, और ये जो है पीला 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 होता है, और ये भी अवसादी सेलों में मिलता है। इसमें क्या होता है, लोहा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इसकी खुदाई आसान होती है। फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो लिमोनाइट के सबसे उत्पादक देश है। कौन है, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके अलावा चौथा होता है सिडोराइट, लोहे के लोहे का चौथा भाग होता है सिडोराइट, और इसमें लोहे की मात्रा मात्र 20% होती है, 20 से 30 मान लो, और ये धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनता है, और ये राख के रंग का होता है, राख जैसा होता है। इंग्लैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग ये उसके उत्पादक देश हैं। कौन कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग। विश्व में लोहे के संचित भंडार देखिए, विश्व में लोहा सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ होता है। विश्व में उच्च और निम्न कोटि के लो अयस्क का भंडार लगभग 370 अरब टन आंका गया है। कितना है, 370 अरब टन है वो लोहा विश्व में आंका गया है, और जिसका लगभग 25% भाग है वो पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मिलता है। लो अयस्क का 25% यानी एक चौथाई जो लोहा है वो कहाँ मिलता है, पश्चिम यूरोप में और उत्तरी अमेरिका, और इसके अलावा 25% भाग रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में मिलता है, 50% हो गए। इसके अलावा 20% दक्षिण अमेरिका देश में होता है, और 20% देश पूर्वी और एशिया के देशों में पाया जाता है। इस प्रकार इसका विभाजन है। देखिए लो उत्पादक में 1948 में विश्व में लो अयस्क का उत्पादन जो 10.35 करोड़ टन था, जो बढ़कर के 90 में यानी 5,817 टन हो गया, 98 में ये 104.50 करोड़ टन हो गया, 2005 में ये 154 करोड़ टन हो गया। इस प्रकार क्या है कि बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान में जैसे चीन जो सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादन करने वाला देश है, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादक कहाँ होता है, चीन में होता है, और इसके बाद जैसे ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जैसे रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूक्रेन है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, यहां पर लोहा पाया जाता है। यदि आप अपन बात करें लोहे की, तो जैसे सबसे विश्व में जैसे चीन है, चीन में सबसे सर्वाधिक है, कितना, 27.3%। ब्राजील में 18.3%, ऑस्ट्रेलिया में
यानी 17%, और भारत जो चौथे नंबर पर इसमें 9.1% लोहा है वो निकाला जाता है, लोहा उत्पादन किया जाता है। तो लोह उत्पादक से संबंधित हो गई बात। इसके अलावा यह है चीन। चीन में लो एस्क का यानी विश्व में प्रथम स्थान है, और चीन में लो धातु का उत्पादन है वो 1992 में लगभग 19.4 करोड़ टन था, जो कि बढ़ करके 27.3%, यानी अभी भी क्या है कि 27% से ऊपर जो है लोहा कहां निकाला जाता है, इसी में निकाला जाता है। और चीन में लो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है, चीन में देखिए लो उत्पादक क्षेत्र है आपके दक्षिणी मंचूरिया चीन का प्रमुख लो अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। देखिए प्रश्न आ जाता है कि चीन में किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है, तो वो लोहा दक्षिणी मंचूरिया में निकाला जाता है, और वहां पर जो है लोहे की मात्रा चीन का 50% लोहा दक्षिणी मंचूरिया में मिलता है। दक्षिणी मंचूरिया के प्रमुख लोह उत्पादक जैसे अशान है, चांगलिंग है, पेंकी है, शेनियान है, मुकदेन है, ये क्षेत्र जो है प्रमुख है। अन्य क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी मंचूरिया के अतिरिक्त जो है चीन के प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्रों में हेनान द्वीप है, सांतुंगन द्वीप है, हेंगजाउ है, सांसी है, पे तोफे है, चांगजियांग है, ये भी निकालते हैं। इसके अलावा जैसे लोहा निकाला जाता है ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख लोह उत्पादक देश है, और ये विश्व का लगभग 18.3% लोहा निकालता है, और ब्राजील जो है वर्तमान समय में लोह उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान रखता है। ब्राजील का सबसे ज्यादा प्रमुख लोह उत्पादक ब्राजील का जो मिनास गेरास जो राज्य है वहां पर ब्राजील के मिनास गेरास में सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता है ब्राजील, और संचित भंडार की दृष्टि से यह राज्य ब्राजील का प्रमुख राज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 17% लोहा है वो निकाला जाता है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में लोहा ज्यादा निकाला जाता है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो। भारत में देखिए, भारत में लोह उत्पादकों में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, और यहाँ उच्च कोटि के लोह एस के पर्याप्त भंडार है। अधिकतर भंडार जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट श्रेणी के, भारत में लोह उत्पादन में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के हैं। लोह एस्क कुल परिलभ्य भंडार जो हेमेटाइट का 10.5 अरब टन है, यानी टोटल तो 370 अरब टन है पूरे विश्व में, और मैग्नेटाइट का 3.4 अरब टन है। हेमेटाइट एस्क मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक में पाया जाता है। हेमेटाइट कहां मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में मैग्नेटाइट मिलता है। मैग्नेटाइट कहां मिलता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, तो यहां पर ये मिलता है। अब देखिए भारत में जो ये लोह उत्पादन है इसमें कर्नाटक में 26% या 26 से 27, इसके अलावा छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है 21%, उड़ीसा तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर गोवा है, और झारखंड जो है 15% निकाला जाता है, अन्य जो होते हैं वो 0.63% अन्य भी निकाले जाते हैं। कर्नाटक में लोह उत्पादन की क्या स्थिति है देखिए, और भारत का लगभग 1/4 लोहा यानी 1/4 लोहा, 25% लोहा जो है वो कहां से प्राप्त होता है? कर्नाटक से, और यहाँ बेल्लारी जिले के बेल्लारी, हासपेट और सुदूर क्षेत्रों में लोह एस की खाने हैं। चिकमंगलूर जिले के महत्वपूर्ण उत्पादक जैसे बाबा बुद्धन, कालाहांडी और केमनगुड़ी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़ और टुमकुर, ये उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो दूसरे नंबर पर आता है, और यहाँ पर भारत का 20% से अधिक लोहा निकाला जाता है, 25% तो कर्नाटक में, 20% छत्तीसगढ़ में। और इसमें जैसे दांतेवाड़ा जिले का बेलेडिला तथा दुर्ग जिले का डल्ली और राजहरा ये उत्पादक देश है, राजहरा उत्पादक प्रदेश है। अधिकांश लोहा विश्वा का पट्टनम द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। कहां से? जापान को निर्यात किया जाता है कहां से? विशाखापट्टनम से। उड़ीसा जो है तीसरे नंबर पर है लोह उत्पादन में, तो यहां भारत का 19% अधिक लोह एस पैदा किया जाता है। उड़ीसा की प्रमुख खाने हैं जैसे गुरु महिषानी, सलाईपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरीबुरु और मेगाहटबुरु, बोनाइड, ये हैं। इसके अलावा चौथा है वो गोवा है। गोवा में उत्पादन देर से शुरू हुआ था, और इस समय गोवा भारत का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है, और यहाँ 16% से अधिक लोहा निकलता है। गोवा की खाने जैसे साइक्लेम, सांगोम, क्यूपेबम, ये लोहे की वहां पर खाने हैं। इसके अलावा झारखंड है वो पांचवा है, भारत में पांचवा जो है झारखंड है,
और यहाँ पर 15% से अधिक लोहा उत्पादक है। इसके अलावा अपने जैसे महाराष्ट्र में है चंद्रपुर रत्नागिरी, महाराष्ट्र में जैसे चंद्रपुर रत्नागिरी और भंडारा जिले में है, आंध्र प्रदेश में करीमनगर है, वारंगल है, कर्नूल है, कड़प्पा है, अनंतपुर जिले में है, तमिलनाडु में जैसे सलेम, नीलगिरी, इनमें लो अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये लो अयस्क था। लो अयस्क के अलावा जैसे रशिया में लोहा है, रशिया जो है लो अयस्क में 5वां स्थान है। आपको इतना ही लिखना है कि रशिया है वो क्या है, लो स्थान में 5वां स्थान है, और यहाँ पर संपूर्ण विश्व का 6.3% लोहा निकाला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कितना ध्यान रखेंगे, या इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रारंभिक समय में से लो अयस्क के उत्पादन में प्रमुख स्थान पर रहा है, लेकिन 1985 के बाद ये दूसरे देशों के उत्पादन में गिर गया है। वर्तमान में जो है संपूर्ण विश्व के कुल उत्पादन का 4.1% यहाँ पर लोहा निकाला जाता है, और विश्व में लो उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% से अधिक जो लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का मिलता है। कौन सी किस्म का मिलता है, हेमेटाइट किस्म का मिलता है। अब देखिए मुख्य मुख्य मैं बात आपको बता देता हूं। कनाडा, कनाडा में लो अयस्क कुल उत्पादन 3 करोड़ टन है, और विश्व में ये 9वां स्थान रखता है। कौन सा रखता है, 9वां स्थान रखता है। लेब्रेडोर में स्थित जैसे सेफरविल खदान जो प्रमुख लो अयस्क उत्पादक खदान है, कनाडा में लेब्रेडोर में स्थित है सेफरविल खदान, वहां से। यूक्रेन, यूक्रेन जो है क्रिबोरा के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम और संचित भंडार है, और इस दृष्टि से वो दूसरे स्थान पर है। लगभग यहाँ पर 50 अरब टन संचित भंडार है, जिसमें लोहा धातु 48.6% निकलता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमें पढ़ना है मैग्नीज, पढ़ना है मैग्नीज क्या स्थिति। मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से लोहा और स्टील के निर्माण किया जाता है, लोहा और स्टील बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग होता है। इसके अलावा इनका प्रयोग जैसे औद्योगिक खनिजों में, मैग्नीज जो कच्चे यानी अर्थों में बहुप्रयोगी है, कच्चे जो माल के रूप में, जैसे पॉलिश चढ़ाना है, ड्राई बैटरी है, ईंट है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, प्लास्टिक छड़ जोड़ने का है, रासायनिक पदार्थ है, वार्निश करना है, या फर्श के टाइल बनाने के काम में भी आता है। इस्पात उद्योग यानी इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और इसमें लगभग 90% से अधिक उपभोग होता है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश देखिए, प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। प्रमुख उत्पादक देशों में यदि हम देखें तो चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, गेबन, यूक्रेन, कजाकिस्तान, घाना, भारत, मेक्सिको, ये है विश्व के जो देश हैं। वहां पर जैसे चीन है, चीन में जो है सबसे ज्यादा निकलता है 18.9%, और दक्षिण अफ्रीका में 46%, यानी 46 लाख टन, सॉरी 15.9%, ऑस्ट्रेलिया में 13.8%, ब्राजील में 10.8%, भारत में 6% मैग्नीज का उत्पादन होता है विश्व स्तर पर। कितना होता है, 6%। अब देखिए चीन, चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में जैसे हुनान के चांगसा और क्वामसी और हुब्बे क्षेत्र है, यहां पर ये ज्यादा निकलता है मैग्नीज। इसके अतिरिक्त जैसे क्वांटुगु प्रांत है उत्तर पूर्वी चीन में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है, ऐसी बात भी है। दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर, और अफ्रीका विश्व का प्रथम मैग्नीज उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का प्रथम मैग्नीज उत्पादक देश है, यहाँ संचित भंडार भी काफी मात्रा में है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जैसे पोस्टमबर्ग, शेरेस, उदेसे और बेचुआना लैंड, कगुआ, इनकी खाना में निकलता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तीसरा बड़ा देश है, दक्षिण अफ्रीका दूसरा और ये तीसरा बड़ा देश है, जहां विश्व का 13.7% जो मैग्नीज है वो निकाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे उत्तरी प्रांत के गुटेलैंड, टूने, इलियत, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के जो मारबूवर के खाने हैं वहां से निकलता है। इसके अलावा देखिए ब्राजील, ब्राजील जो है दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका का ही नहीं बल्कि विश्व में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है, और यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक है वो ब्राजील में वो है नजारे, अमापा, लफायते, यहां पर निकलता है। गेबेन विश्व का चौथा मैग्नीज उत्पादक देश है, गेबेन, जहां फ्रेंकविल के समीप मोवांडी क्षेत्र में मैग्नीज निकाला जाता है, यूक्रेन में भी काफी निकाला जाता है। इसके अलावा घाना, घाना भी मैग्नीज उत्पादन और निर्यात के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत, भारत में संसार का विशालतम मैग्नीज भंडार है वो स्थित है।
यहाँ संसार का सर्वोत्तम कोटि का मैग्नीज मिलता है, सबसे अच्छी किस्म का जो मैग्नीज है वो भारत में मिलता है। यहाँ पर जैसे बड़ौदा से लेकर के पूर्व में दामोदर घाटी तक लगभग 1250 किलोमीटर लंबी पट्टी में मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। कहाँ पे? 1250 किलोमीटर तक। कहां से? पश्चिम में बड़ौदा से लेकर के पूर्व में दामोदर घाटी तक 1250 किलोमीटर लंबी पट्टी है जहां पर मैग्नीज के भंडार है। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, रत्नगिरी और गोवा, गुजरात में पंचमहल, झारखंड में कल्हण, सिंहभूमि, चाईबासा, आंध्र प्रदेश में आपके अपने भारत में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्री कालुकम, कड़प्पा और कर्नाटक में उत्तरी कनारा, सेंदूर, बेलारी, कादूर, चित्तूर, शिमोगा, इनमें मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। अब जैसे प्रमुख निर्यातक देश कौन कौन से हैं? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, गेबोन, घाना और जायरे मैग्नीज के प्रमुख निर्यातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैग्नीज का सबसे ज्यादा आयातक देश है। सबसे ज्यादा मैग्नीज मंगवाने का काम कौन करता है? दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका करवाता है। अन्य आयातक देशों में जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है। इन देशों में भी ये जो मैंगनीज का आयात सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा खनिजों में है अभ्रक। अभ्रक एक पारदर्शी, लचकदार और परतदार धात्विक खनिज है जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिलिकेट प्रकार की चट्टान। ये चमकदार होता है। इसके विशाल भंडार भारत में मिलते हैं, सबसे ज्यादा भारत में मिलते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अभ्रक के नए नए प्रयोग सामने आते जा रहे हैं। ताप और विद्युत का कुचालक होने के कारण मुख्य रूप से बिजली के उपकरण बनाने में इसका काम होता है। इसका उपयोग चिमनी, चश्मा, दवा, रंग इनके निर्माण में भी अभ्रक का उपयोग होता है। अभ्रक की अलग अलग किस्में होती है। जैसे अभ्रक की किस्में सफेद अभ्रक, पोटास जिसे मस्कोवाइट भी कहते हैं, तीन किस्म का अभ्रक मिलता है। कितनी किस्म का है? तीन किस्म का अभ्रक मिलता है। पहला है सफेद अभ्रक और दूसरा है पीत अभ्रक, और ये बहुरंगी अधिकतर पीत रंग का है जिसे फ्लोगोपाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोगोपाइट। और मस्कोवाइट कहते हैं सफेद अभ्रक को। श्याम अभ्रक जो काला अभ्रक होता है, मैग्नीशियम, ये काला और गहरे रंग का होता है, इसको बायोटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोटाइट कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक है वो श्याम अभ्रक होता है जिसको बायोटाइट कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्रक की किस्म कौन सी है? तो वो है बायोटाइट। कौन सी है? बायोटाइट है। विश्व में अभ्रक का वितरण और उत्पादन अत्यंत असमान है। विश्व में अभ्रक अधिकांश कुछ क्षेत्रों में निकलता है और इसकी खाने जंगल और पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ के आवागमन और यातायात के अच्छे साधन बहुत कम हैं, इसलिए विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में है। भारत के अलावा रूस, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, मेक्सिको, इनमें भी अभ्रक के भंडार मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अभ्रक के भंडार मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना मिलता है। जैसे मान लो भारत में कहाँ मिलता है? देखिए, भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। संसार का लगभग 70% अभ्रक है वो भारत से ही प्राप्त होता है। कितना? 70%। भारत में झारखंड की अभ्रक पेटी में हजारीबाग जिले के कोडरमा, किरडी और दोमाचेन्या, चाकल, तिसरी, भागलपुर, सिंहभूम, पलामू जिले में अभ्रक उत्पादन होता है। ये तो कहाँ होता है? झारखंड में। आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी जो है उसमें जैसे नेल्लोर की खाना है, विशाखापट्टनम है, इनमें है। यहाँ पर हरे रंग का अभ्रक निकलता है। देखिए, प्रश्न आ जाता है हरे रंग का अभ्रक कहाँ निकाला जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश पेटी में नेल्लोर और विशाखापट्टनम में निकाला जाता है। प्रमुख अभ्रक की खाना जैसे काली चेहू तेलंगाना में भी है। राजस्थान में अभ्रक है वो भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, अलवर जिलों में निकलता है। प्रश्न आ जाता है राजस्थान में अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है? तो आपको ये नाम लिखने हैं। भारत है वो अभ्रक उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में जैसे ढेंकनाल है, संबलपुर है, कोरापुट है, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला है, तमिलनाडु में कृष्णा सेलम है, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा ब्राजील, विश्व स्तर पर जो ब्राजील में अभ्रक का उत्पादन होता है, अंटार्कटिका तटीय जिलों में 480 किलोमीटर लंबी और 192 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक पेटी है ब्राजील, जिसमें जैसे पिनास, गेराइस और राज्य की सांतालुजिया, पेकानाहा यहां पर खाने हैं। इसके अलावा रूस है। रूस में देखिए मुख्य मुख्य बात देख लीजिए, रूस में अभ्रक है वो बेकाल झील के दक्षिण में सिल्यूतियंका और बेकाल के उत्तर में मम्मा क्षेत्र, तो दो क्षेत्रों में निकलता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा मालागासी में निकलता है।
मालागासी के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में निकलता है, या उत्तरी जैसे कैलोरिना, स्प्राइस, क्वाइन, फ्रैंकलिन, सिल्वा यहाँ पर निकलता है। इसके इनके अलावा अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन, फ्रांस, नॉर्वे, इनमें अदरक का उत्पादन होता है। विश्व व्यापार की दृष्टि से भारत है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ से होता है अदरक का? भारत से होता है, और ये अपने उत्पादन के अधिकांश भाग का निर्यात कर देता है। और आयातक देशों में भी जैसे जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहां पर ये आयातक देश भी है। इसके अलावा आता है तांबा, कोपर, तांबा देखिए। और उपयोग की दृष्टि से लोहे के बाद तांबे का दूसरा स्थान है। किसका है? दूसरा स्थान है, और ये अलो धातुओं में सबसे अधिक उपयोगी। वर्तमान में औद्योगिक युग में तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा है। संसार का लगभग 60% तांबा है और बिजली के उपयोग में होता है, विद्युत उपयोग में काम में आता है, उपकरण बनाने में, संयंत्र बनाने में, वायरलेस, जनरेटर, वातानुकूलित, ये जो एसी वगैरह बनाते हैं, रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडिएटर, यानी जितने भी जो बनाए जाते हैं उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे रेलों के सिग्नल बनाने में, रेलगाड़ियां बनाने में, जलपोत बनाने में, वायुयान बनाने के, वायुयान के पुर्जे बनाने में तांबे का उपयोग होता है। और 35% मिश्र धातु की तरह उपयोग में किया जाता है। तांबा और रंगा को मिलाकर के कांसा बनता है। क्या बनता है? तांबा और रंगा मिलकर के क्या बनता है? तांबा प्लस रंगा बराबर कांसा बनता है। कांसा बनता है, और तांबा और जस्ता मिलाने से पीतल बनता है। तांबा और जस्ता मिलाने पर क्या बनता है? पीतल बन जाता है। तांबा और निकिल मिलाने पर जर्मन सिल्वर बन जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम के मिश्रण से ड्यूरालुमिन बन जाता है, ड्यूरालुमिन। तांबा और सोना मिलाने से रोल्ड गोल्ड बन जाता है। तांबा और सोना मिलाने से रोल्ड गोल्ड बनता है, जिसके आभूषण भी बनते हैं। 5% तांबे से सिक्के, बर्तन, बॉयलर के पुर्जे, पंपों के पुर्जे, जल के नल, ये भी बनाए जाते हैं। तांबा घड़ियों के पुर्जे बनाने में, तांबा पॉलिश करने में, औषधियां बनाने में भी काम में आता है। इसके अलावा तांबा देखिए विश्व उत्पादन में तांबा जो है वो कहाँ कहाँ है। चिली में सबसे ज्यादा 35% तांबा निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7.6%, इंडोनेशिया, इसका मतलब सर्वाधिक जो है तांबा उत्पादक देश है वो चिली है। इंडोनेशिया में 7.1%, पेरू में 6.7% और ऑस्ट्रेलिया में 6.1%। अपने भारत का इसमें स्थान नहीं है, 5 स्थानों में नहीं है। चिली में सबसे ज्यादा 35% तांबा निकलता है, और उत्पादन के साथ ये विश्व में प्रथम तांबा उत्पादक देश है। चिली एक ऐसा देश है जहां 50% अधिक राष्ट्रीय आय केवल तांबे के निर्यात से प्राप्त होती है। चिली एक ऐसा देश है जहां पर, चिली में क्या होता है कि 50% आय, देश में जो 50% आय होती है वो तांबे के निर्यात से होती है। तांबा निर्यात करते हैं और तांबे की जो पैसा मिलता है वो 50%, यानी बहुत ज्यादा है। चिली के कुल तांबा उत्पादन का 90% भाग एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर स्थित निम्न खदानों से, यानी चिली में सबसे ज्यादा जो तांबा कहाँ निकलता है वो निकलता है आपके एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत का जो पश्चिमी ढाल है वहां पर जो खदान है, वहां पर खदानों में कौन कौन सी? एक जो चिक्की कामाटा है, यानी एंडीज पर्वत में एक चिक्की कामाटा खान है, ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे खान है, चिक्की कामाटा। और यहाँ विश्व के अन्य किसी क्षेत्र विशेष की तुलना में विश्व में सबसे अधिक तांबे की राशि पाई जाती है। इसके अलावा एल तेनियत है, ला अफ्रिकाना है, ब्राडेन है, ये भी है। इसके अलावा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें 7.8% तांबा का उत्पादन होता है, ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा देखिए कनाडा, कनाडा है उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान रखता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसमें 4 मुख्य है, विशाल झीलों के उत्तर में स्थित, जैसे सडबरी क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। कनाडा के कुल उत्पादन का 50% तांबे का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? विशाल झीलें, जिसमें उत्तर में स्थित सडबरी क्षेत्र, सडबरी क्षेत्र में होता है। और यह है ओटेरियो में स्थित है। कहाँ है? ओटेरियो में स्थित है। उत्तर पश्चिमी क्यूबेक की खदानों का इसमें दूसरा स्थान है। किसका स्थान है? दूसरा स्थान है। इसके अलावा रूस, रूस में 4.6% तांबा उत्पादन होता है। कितना होता है? 4.6%, और छठे स्थान पर आ जाता है। यहाँ यूराल क्षेत्र में, यूराल पर्वत के दक्षिण पश्चिमी जो किनारे हैं, सिपाही है, डेगिया प्लास्क है, काई है, उचाली है, वहां पर सर्व ज्यादा तांबा निकलता है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी 6.2% तांबा है वो निकलता है। अफ्रीका में आपके तांबा का ये प्रमुख उत्पादक देश है, जहां पर सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां विश्व के कुल तांबा उत्पादन का 7% तांबा यहां से उत्पादन होता है। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से,
अफ्रीका से, कजाकिस्तान में भी निकलता है, भारत में कितना तांबा निकलता है देखिए, भारत में जो तांबा निकलता है वो 71.2 करोड़ टन भंडार है भारत में, जिसमें 94 लाख टन धातु उपलब्ध है, 94 लाख टन धातु है। झारखंड के सिंह भूमि में महेशबनी राख, दोबनी रजहाई क्षेत्र में इसके पर्याप्त भंडार है। राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी, कोलियान और चांदमारी तथा अलवर में दरीबा खदानें जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे मालास खंड की खाने हैं वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में भी बहुत बड़ा तांबे का भंडार है, उत्पादन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा निकलता है, राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है, झारखंड का तीसरा स्थान है भारत में तांबा निकालने। विश्व स्तर पर व्यापार की दृष्टि से जैसे चिली, जाम्बिया, कनाडा, जायरे, मेक्सिको, यूगोस्लाविया ये तांबा निर्यातक देश है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोपीय देश, जापान ये तांबे के आयातक देश है। यहां पर तांबा सबसे ज्यादा मंगाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया है, और कितना समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा। कैसा लगा? आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।